सबसे पहले तो आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दरमियान अहमद मौजूद हैं, और उससे बढ़कर ये खुशी भी है कि माशाल्लाह इंटरनेशनल अरीना में जो इन्होंने इंडियन प्लेयर को नॉकआउट किया था, एज़ अ स्पोर्ट भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एज़ अ नेशन भी हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि माशाल्लाह ही इज़ फ्रॉम क्वेटा, ही इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के सॉइल से इनका ताल्लुक़ है, और हमें बड़ा इस बात पे फ़ख्र है कि इन्होंने एक दफ़ा फिर जिस तरह वसीम ने इंटरनेशनल लेवल पे बलूचिस्तान का नाम उजागर किया, माशाल्लाह इन्होंने उसी तरह बलूचिस्तान का नाम, क्वेटा का नाम आगे लाए हैं, और उन स्पोर्ट्समैन के साथ साथ जो दूसरे भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में, कराटे में और दूसरे गेम्स में बलूचिस्तान का नाम, क्वेटा का नाम आगे लाए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन आज है कि आज ये हमारे दरमियान मौजूद भी हैं, क्वेटा अपने शहर वापस आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमेशा से अपनी कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के हवाले से, और वो लोग जिन्होंने बलूचिस्तान का नाम, क्वेटा का नाम या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का नाम किसी भी हवाले से उसके लिए आगे एक पेशरफ्ती उन्होंने की है, हमारी हमेशा सपोर्ट रही है, आइंदा के लिए भी रहेगी, और इसको इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर बहुत आपका मशहूर हूँ कि आपने एज अ प्रोफेशन अपना नाम माशाल्लाह वैसे भी 56 सेकंड्स में नॉकआउट करना एक बड़ा प्रोफेशन है और एक बहुत बड़ा नाम है इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, और साथ साथ जब उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो और फिर बलूचिस्तान से और फिर क्वेटा से हो तो उसमें दो चांद और भी लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ओवर हियर, एंड आपने ये मौका दिया कि इधर आए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों से दो बातें ज़रूर कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतना अच्छा वार्म वेलकम मिला है मुझे अपने क्वेटा वापस आकर, और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको बेहतर बनाएंगे और इसको जो हमारे पास फ़ाइटर्स हैं उनको पॉलिश करेंगे और उनको हाई लेवल स्टेजेस पे लेके जाएंगे, और बस हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए और दुआएं चाहिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह।